क्या आपको जानना है कि आपका छुट्टी कब लगा है और कब छुट्टी ख़त्म होने वाला है, क्या आपको जानना है कि आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट कब ख़त्म होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं है सद्दाम यूट्यूब चैनल और मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आपका भाई फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका है। और आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, जिन मेरे भाइयों को जब छुट्टी पे जाते हैं, जो सऊदी अरबिया या कहीं से भी छुट्टी पे जाते हैं घर पे, तो वीज़ा पेपर होता है वो नहीं देता है, जो जिससे पता चलता है कि मेरा वीज़ा का एक्सपायर कब ख़त्म होगा और कब वापस आना है, या कहीं छुट्टी बढ़ाना होता है घर जाने के बाद तो बढ़ा नहीं पाता, क्योंकि उसको वीज़ा का जो डेट होता है उसको मालूम नहीं एक्सपायरी डेट कब है, और उसके बाद वो अपने आप से खुद पता नहीं है कि उसको कैसे चेक किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में जाते हैं चेक कराने के लिए, तो 100, 200, 400, 500 रुपया मांगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बनाने के लिए बनाकर दिखाऊंगा। तो वीज़ा चेक करने के लिए, जो वीज़ा का एक्सपायरी डेट है वो चेक करने के लिए, और छुट्टी चेक करने के लिए, मेरा छुट्टी कब लगा है और कब नहीं लगा है और कितने तारीख ख़त्म हो चुका है, तो उससे पहले रिटर्न आना पड़ता है। जो वीज़ा का डेट होता है उससे पहले रिटर्न आना पड़ता है, जो मुल्क जाते हैं उससे पहले रिटर्न आना पड़ता है। तो चलिए, आपका भाई आपका दोस्त ये तरीका बताने वाला है, तो चलिए मैं अपने चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले वो जो गूगल का सर्च बार होता है वहाँ पे सर्च में जाकर, और उसके बाद यहाँ लिखना है वीज़ा वैलिडिटी, यानी जब मैं वीज़ा लिखा हूँ तो पूरा लिखा के आ गया वीज़ा वैलिडिटी, यानी पूरा लिखना है वीज़ा वैलिडिटी KSA, यानी सऊदी के लिए KSA। तो यहाँ पे वीज़ा वैलिडिटी KSA लिख कर सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। उसके बाद जो सबसे पहला जो पेज ओपन होगा वीज़ा वैलिडिटी, यहाँ पे जो सबसे पहला वो पेज है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जो ऑप्शन आ गया है, जो चीज़ डालना होता है वो ऑप्शन खुलकर आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको पूरा क्लियर के साथ दिखा देता हूँ जूम करके। जो यहाँ पे फर्स्ट है वहाँ पे आपको इकामा नंबर सेलेक्ट करना है, जैसा कि मेरा इकामा नंबर है, वीज़ा चेक करना है कि कब एक्सपायर है या छुट्टी लगा है कि नहीं लगा है, कितना दिन का लगा है, कितना तारीख का लगा है और कितना महीने का लगा है, पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इकामा नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आकर उसके सामने अकाउंट नंबर डाल दीजिए। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। और उसके बाद जो इधर है नीचे वाला जो है ना, जो नीचे वाला साइड दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो चीज़ आपको याद है, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ या एक्सपायरी अकाउंट डेट वो भी मालूम है, तो यहाँ पर डायल कीजिए। यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपना चलिए नाम ईजी होता है, नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं नाम पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर वो एकामा नंबर के नीचे वो नाम लिखना है, जिसका एकामा नंबर है वो उसका नाम लिखना है। तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ सिराज अंसारी, ये मेरा मामू का नाम है। मेरा एकामा तो कब का मैं जाकर आ चुका हूँ, तो ये मेरे मामू हैं जो बहुत जल्दी आए हैं छुट्टी से, तो सोचा कि चलिए उसका भी है। उसको भी घर पे जाने के बाद यही प्रॉब्लम हुआ था कि उसका कोई काम चेक करने के लिए बहुत परेशानी होता था। वो बोला जो ऑफिस में गए थे इंश्योरेंस कराने के लिए, तो वो बोला था इंश्योरेंस छुट्टी पेपर दिखाओ जहाँ, तो उसके पास नहीं था, तो वो इधर उधर भटक रहा था। तो मेरे पास कॉल किया कि मेरा एकामा जो एक्सपायरी डेट है वो चेक करके बता देना है, तो यही नंबर दिया था, तो मैं उसका अभी चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एकामा नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद एकामा नंबर डालना है, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा में आकर वो अपना नाम या पासपोर्ट या डेट ऑफ बर्थ कोई भी आपको याद है वो चीज़ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये साइड में डालना है। तो चलिए आपको ये मैं डालकर दिखा दिया हूँ, और उसके बाद इसको चेक करना है कब का छुट्टी लगा था और कब ख़त्म हुआ है एक्सपायरी डेट और कितना महीना का छुट्टी लगा था, वो चीज़ पूरा आज क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ दोनों चीज़, एकामा नंबर और नाम। तो यहाँ पे चेक, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये चेक पे क्लिक करना है आपको। चेक पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरा पेज ओपन हो चुका है, जैसा ये पूरा क्लियर मैं जूम करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो लिखा कर आया है यहाँ, तो जो वीज़ा है वो तो एक्सपायर हो गया है, जो जितना दिन का छुट्टी लगा था उसका तो ऊपर बता रहा है कि एक्सपायर हो गया है। अगर आपका नया लगा है तो आपका यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा और यहाँ पे कुछ ग्रीन अक्षर में दिखा कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फुल नाम लिखा हुआ है सिराज अंसारी, पासवर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ हिजरी जो अरबी साल होता है, उसके बाद वीज़ा नंबर, वीज़ा एक्सपायरी। तो यहाँ पर देखिए इसका छुट्टी 29 तारीख 7वां महीना 2019 को ये लगा था इसका छुट्टी, और इसका जो लास्ट ये ख़त्म होने वाला जो उसका एक्सपायरी डेट था वो ये है 2 तारीख 10वां महीना 2019 का इसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया। तो इसे वो तीन दिन पहले, वो तीन दिन चार दिन पहले वो सऊदी आ चुका था,
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पूरा चीज़ दिखाई देगा। अगर आपका छुट्टी लगा है कितना दिन का है तो यहाँ पे बताएगा इतना तारीख को लगा है और इतना तारीख को ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और इसका छुट्टी भी आपको बता देता हूँ कि छुट्टी कितना दिन का लगा था। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए 2 मंथ का छुट्टी लगा था, बस 2 महीने का छुट्टी लगा था इसे। और हम गए थे तो 3 महीने का था, लेकिन ये जब गया तो इसका 2 महीने का छुट्टी लगा था। यहाँ पर पूरा डिक्लेयर के साथ दिखाई देता है, यहाँ 2 महीने का छुट्टी है। और उसके बाद पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाएगा कि किस तारीख आपका छुट्टी लगा और किस तारीख को आपका छुट्टी कैंसिल हो सकता है, तो उससे पहले आना पड़ता। तो ये आप आसानी के साथ ये चीज़ चेक कर सकते हैं, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, आप खुद मोबाइल से ये चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे वीडियो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर दोस्त को, हर यार को, हर मेरे भाई को, हर मेरे चाचा अंकल जितने भी है, जितने भी भारत है, सबको पता चले। और उसके बाद मेरे चैनल हाई सद्दाम को सब्सक्राइब कीजिए, और वो लाइक का जो काला बटन है उसका उसको नीला कर दीजिए, और अपना भाई का जो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा, आपका रिप्लाई दूंगा और पूरा डिटेल के साथ मैं समझाऊँगा कि ये चीज़ कैसे होता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।